For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies. इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राग है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीड़ी, दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। हर किसी की जिंदगी में पहला प्यार कुछ अलग ही होता है। वैसे तो मोहब्बत के कई किस्से हैं, लैला मजनू, श्री फरहाद, इनकी मोहब्बत तो आज भी जिंदा है। लेकिन मेरी मोहब्बत में सबसे अलग बात ये थी कि मुझे एक शादीशुदा लड़की से प्यार हो गया था और हमारी उम्र में भी जमीन आसमान का फर्क था। मेरी माँ कहती थी जब मानसून के वक्त बारिश होती है ना, तो या तो कुछ अच्छा होता है और या तो कुछ बुरा। 2 साल पहले का वो मानसून जिसने मेरी जिंदगी में कुछ अच्छे पल दिए और कुछ बहुत ही बुरे। आज मैं मेरे दोस्तों को 2 साल पहले का वो मानसून और मेरी पहली मोहब्बत के कुछ ऐसे पल बताऊंगा जो वो नहीं जानते। वो परी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, उस परी का नाम था जहाना। जहाना अपने पति के साथ डलहौजी क्यों आई थी ये मुझे बाद में पता चला। वैसे भी मुझे जरूरी मिशन के लिए पोस्ट किया गया है। जहाना ये बताओ, तुम खुश तो हो ना? नहीं नहीं रणबीर, मैं तो बहुत खुश हूँ। खैर ये बात छोड़ो, ये तो बताओ इतना जल्दी आने की वजह क्या है? जल्दी आने की वजह है मेरे बचपन का दोस्त जिससे मिलने के लिए मैं बहुत बेताब हूँ। अच्छा, वो दोस्त है कौन? वैसे तो बहुत मोटी बुद्धि का एक पहलवान है, पर है वो बहुत सज्जन। प्यार से उसे आप जोगी कहते हैं। Thank you.
सूरज सर पे चढ़ गया है और ये अभी तक सो रहा है। एक तो इसके माँ बाप इसको मेरे सर पे मर के चले गए। उठ दुश्मन नाच काजदा, चल उठ उठ, स्कूल नहीं जाना है, सुत्ता रहेगा, बेवकूफ किसे थांदा, चल उठ। एकदम मैं इसकी पढ़ाई खर्च कर दी, इन्हें पैसे नोट खर्च दिया ही, और सो रहा है अभी तक, 12 बज गए, चल 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 स्कूल, तैयार हो स्कूल वास्ते। किदा टीट की तरह बैठा हुआ है, खा रहा है आराम से, स्कूल नहीं जाना है, जा तो रहा हूं। Welcome home. Thank you. चलिए हमारे घर। कैसा लगा घर तुम्हें हमारा? Beautiful. वो लोकेशन। अरे डीएफओ साहब। अरे जोगी। कैसा है मेरे भाई? भाई 7 साल बाद स्वागत है आपका। यार तू जानता है मुझे कितनी खुशी हुई तेरे यहाँ पे आने से। पर एक बात का दुख है मुझे। तूने शादी कर ली साले और मुझे बताया भी नहीं। भाई यार शादी इतनी जल्दी में हुई कि क्या बताऊं? बचपन का दोस्त हूं तेरा, बचपन के दोस्त को भूल गया। अच्छा चल इत्मीनान से बैठ के बातें करते हैं। नहीं भाई शाम को मिलते हैं हम। यार तू लंबे सफर से आया होगा, आराम कर थोड़ा, बैग वैग लगाते हैं, मैं चलता हूँ यार। चल ठीक है फिर। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। चलिए गेट खोलना बेबी। अरे नहीं आने वाली वो। भाई सही कह रहा हूँ, पक्का इसी रास्ते से आने वाली है। अगर तुझे यकीन नहीं है ना तो इंतजार करके देख ले। अरे यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई इस शहर में नई आइटम है ना, उसी का इंतजार कर रहे हैं। ओ तेरी की। ओए बैठ। ओए ओए क्या टूटा है यार। किसी ने सच्ची कहा है, मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है। और जब होती है ना तो दिल हमेशा उसी को ढूंढता है, उसी के आसपास रहने को दिल करता है। यूं तो मैंने जहना को कुछ देर पहले ही देखा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कई जन्म से जानता हूँ। उसका पीछा करना, उसे छुप छुप कर देखना और उसे अपने ख्यालों में महसूस करना मेरी आदत सी बन गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तुझे चढ़ गई है यार। अरे यार चेस। अच्छा नहीं किया तूने, शादी में बुलाना चाहिए था मुझे। बहुत दुख है, बहुत दुख है मेरे यार। मुझे हालात कुछ ऐसे थे मेरे भाई। अब ये कर, ये सब अब खत्म कर, पूरा खत्म कर दे। क्यों नहीं बुलाया यार शादी में? कल मिलते हैं। चल बहुत खुश हूं यार मैं। चल भाई चलते हैं। संभल के। शादी में क्यों नहीं बुलाया यार तूने? अरे यार ये शादी। चल भाई चलता हूं। और हाँ हनीमून अच्छे से मनाना। पालिया खुद को मैंने, तुझ में डूब के पालिया
आजकल होश रहता नहीं, रब्बा न जाने खो गया दिल कहीं, जीना बेजार हो गया है, थोड़ा सा प्यार हो गया है, थोड़ा सा प्यार
वेलकम टू डलहौजी सर। सर मैंने आपका नाम बहुत सुना है और मुझे खुशी है कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। आपने ऐसा क्या सुन लिया मेरे बारे में? मैं नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ कि अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि मैं सबसे पहले इस पूरे एरिया का मुआयना करना चाहता हूँ। जैसा आप कहें सर, गाड़ी तो रेडी है, आप कहें तो हम चल सकते हैं। ठीक है कुमार, तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में चलो और बाकी सबको डिवीजन ऑफिस में भेज दो। चलें? हाँ सर। अरे पानी। अरे जाना, मुझे आने में थोड़ी देर हो सकती है, तुम अपना ख्याल रखना। ओके बेबी बाय। ओके बाय, टेक केयर, बाय। चलिए। हाँ सर। सर डिपार्टमेंट बहुत खुश है आपके आने से, और वैसे भी आप यहाँ के लोकल हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। वैसे सर आप यहाँ पर कितने टाइम बाद आ रहे हैं? लगभग 7 साल बाद। ओ अच्छा। अच्छा राजकुमार जी, तुम कुछ बताने वाले थे ना? हाँ सर। सर यही वो देवदार के पेड़ हैं, पिछले 3 साल से इनकी कटाई होती आ रही है यहाँ सबसे ज़्यादा, और स्मगलिंग भी बढ़ती जा रही है। अच्छा कुमार। हाँ सर। वो लोग कैसे अपने कामों को अंजाम देकर चले जाते हैं और हमें कुछ पता भी नहीं चलता, तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लगता? सर वो लोग इतने शातिर हैं कि कब अपना काम करके गायब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। शातिर कुमार, अगर हम अपनी सोच में थोड़ा सा बदलाव लाएं तो उन लोगों तक पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो कैसे सर? आओ चलते चलते बात करते हैं। अच्छा पुराने DFO जो गायब हो गए थे उनका कुछ पता चला? नहीं सर। तुम देख लेना, बाकी मैं देखता हूँ। कुमार मेरे कैबिन में आना। जी सर। बैठो कुमार। यस सर। कहीं से कोई खबर? अभी तक तो नहीं सर। तुम्हें क्या लगता है कुमार कि इसमें कोई हमारे डिपार्टमेंट का आदमी शामिल हो सकता है? हो भी सकता है सर और नहीं भी। देखो कुमार, मुझे रिजल्ट चाहिए, क्योंकि पेड़ों की स्मगलिंग इतने धड़ल्ले से कर रहे हैं वो लोग, और उस तस्करी को रोकना तो दूर, हमें ये तक मालूम नहीं कि वो लोग हैं कौन। आप फिक्र मत करिए सर, मैंने अपने इन्फॉर्मर से बात कर ली है और उम्मीद है कि बहुत जल्द हमें कोई खबर सुनने को मिलेगी। हाँ जाना बोलो। -b² = a² + b² - 2ab। ब्लैकबोर्ड पे जो भी लिखा है सब नोट कर लो, एग्जाम आने वाले हैं और ये क्वेश्चंस
एग्जाम में भी आ सकते हैं। रात का सब इंतजाम हो गया ना? कंप्लीट। सबको इनवाइट कर दिया? हाँ? अरे भाभी जी, नमस्ते भाभी जी। क्या इत्तेफाक है, हम आप ही के घर जा रहे थे। अच्छा अच्छा भाभी जी, वो एक प्रोग्राम है चौक पे, लोहड़ी का प्रोग्राम, तो भैया को लेके आइएगा। पक्का आएंगे। आइएगा। हाँ जी, जरूर आएंगे जी। ठीक है आप? जी। चलिए भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते, रात में मिलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ओके जी। कोई लोहड़ी मनाने चौक पर आया था, लेकिन मैं तो जाना को और करीब से देखने आया था। हाय, उसके बदन की खुशबू तो मुझे अलग ही दुनिया में ले जाती थी, और मैं धीरे धीरे शायर बनने लगा। जिस वक्त मुझे स्कूल का होमवर्क करना था, उस वक्त मैं जाना के लिए खत लिखता था। खत देने की तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी मुझमें, लेकिन उन्हें संभाल कर जरूर रखता था मैं। मुझे पूरा यकीन हो गया था जो मेरा मन है ना, वो बावरा हो गया है। मन होया बावरा रे, खाब हुंदा सुबह शाम रे। मन होया बावरा रे, खाब बुंदा सुबह शाम रे। तेरे नाम से बदनाम रे, रब जाने क्या अंजाम रे। तेरे नाम से बदनाम रे, रब जाने क्या अंजाम रे। ख्वाहिशे बाकी है दिल दा करा बाकी, सा प्यार बाकी है। मन होया बावरा रे,
ख्वाब बुंदा सुबह शाम रे हर घड़ी है इश्क सर पे मेरा काबू ना नजर पे छाई तू ही दिल जिगर पे हर घड़ी है इश्क सर पे मेरा काबू ना नजर पे दिखे तू ही हर जगह जीने की है तू वजह दिखे तू ही हर जगह जीने की है तू वजह तेरे ख्वाब और तेरी बातें रे तेरे नाम ये दिन रात रे तेरे ख्वाब और तेरी बातें रे तेरे नाम ये दिन रात रे कुछ इंतजार बाकी है दिल दा करा बाकी है थोड़ा सा प्यार बाकी है अच्छा तो तू उसके लिए खत भी लिखा करता था आए? लिखना तो एक छोटी सी बात थी इससे आगे तो मेरा पागलपन और भी बढ़ता गया सर पता नहीं क्यों मुझे आजकल ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत जल्दी कुछ बड़ा होने वाला है क्यों कहीं से कोई खबर मिली है क्या पक्की खबर तो नहीं सर पर कुछ ना कुछ तो होने वाला है क्या बात है डीएफओ साहब क्या पूरे जंगल बेचने की प्लानिंग चल रही है अरे मजाक मत कर ये बता कि तू यहाँ क्या कर रहा है अरे आपकी गाड़ी देखी तो सोचा महाराज के दर्शन कर ले और वैसे भी महाराज मिलते कहाँ है अरे दर्शन तो आपके नहीं होते चल अब तू आ ही गया तो तुझे जंगल की पूरी खूबसूरती दिखाते हैं चलिए चलिए पता नहीं बाद में ये मौका मिले या ना मिले चलो चलिए चलो यार रणवीर पूरा जंगल चेंज हो गया याद है तुझे बचपन में यहाँ पे आया करते थे हाँ यार यहाँ पे गेस्ट हाउस हुआ करता था
उठ जा। कबीर कबीर उठ। ये है क्या? हायो रब्बा, लुच्चिया कुत्तिया, ये क्या है? ये है क्या? चाची नहीं, मैं सोच नहीं सकती तू इतना कैसे गिर गया। ये चाची देखना बाकी था। तू ऐसी हरकत करेगा मैंने कभी सोचा नहीं था। हायो रब्बा। अबे हंसो मत। क्यों? मैं उसे लाइक करता था यार। और लाइक लाइक मैं पर पता नहीं ये साली चाची उसे नफरत क्यों करने लगी। ओ एक दर्जन केले कर दो भाई साहब। ये बैंगन देना जरा पाव किलो। टमाटर क्या भाव? और कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। आ गई टाउन की हीरोइन। इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? अरे इतने छोटे कपड़े पहनेगी तो लोग तो देखेंगे ना। और क्या? और बाद में बोलेगी हमें छेड़ते हैं। ओ सब्जी वाले, तू क्या उसकी तरफ कूर कूर के देख रहा है? चुपचाप सब्जी डाल, अपना काम कर। भैया जल्दी दो ना, कितनी देर हो गई। इसमें पागल लड़की ने सब पागल कर रखे। वाहेगुरु जी, आप ऊपर बैठे ये सब कैसे देख लेते हो? हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही क्यों बुरा होता है? मैं अनाथ हूँ, इस बात का मुझे कोई दुख नहीं। और ये चाची जो खुद इतनी खड़ूस है, वो जाना के बारे में ऐसा कैसे कह सकती है? माँ तो कहती थी अच्छे लोगों के साथ हमेशा ही अच्छा होता है, तो फिर जाना के साथ गलत क्यों हो रहा है? कबीर, और नीचे आ। आया चाची। चाची ये दूध पी लो। चाची दूध पी लो। Thank you.
कुमार बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। हेलो, डोंट डिस्टर्ब अस प्लीज, चलो बाय। थाना क्या? तुम भी ना। डार्लिंग कॉफी। थैंक यू। अच्छा सुनो ना, घर का कुछ सामान खत्म हो गया, मुझे उसके लिए पैसे चाहिए। पैसे कवर्ड में है, निकाल लेना। हेलो। हेलो सर। हाँ कुमार, काफी बार फोन किया तुमने, कुछ अर्जेंट है क्या? हाँ जी सर, एक्चुअली आज ट्रकों की पासिंग होने वाली है और मजे की बात यह है कि सारे के सारे ट्रकों की लोडिंग बनी खेत में ही हो रही है। बहुत अच्छे कुमार। अच्छा अब एक काम करो कि तुम अपने आदमियों के साथ बनी खेत के सर्विस रोड को कवर करो और मैं पठानकोट के हाईवे को कवर करता हूँ। लेकिन सर आप अकेले हैं, आपको आप अपना ख्याल रखिएगा प्लीज। मेरी फिक्र मत करो, मैं अकेला ही निपट लूंगा। ठीक है सर, मैं अपने एंड से सारी चीजें देख लूंगा, आप परेशान मत होइए। और हाँ एक बात ध्यान में रहे कि इस बार ये स्मगलर्स हमारे हाथों से बच के नहीं जाने चाहिए। ओके सर। अच्छा मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, आई एम ऑन अ मिशन, तुम अपना ख्याल रखना। अच्छा सुनो ना। हाँ? तुम भी अपना ख्याल रखना। ओके प्लीज। या बाय। बाय। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, अपना ख्याल रखना। ओके महाराज, आप तो कह रहे थे कि लौंडिया आने वाली है, कहाँ है लौंडिया? ओए कीड़े, तुझे तेरे महाराज पे भरोसा नहीं है क्या? है? लौंडिया देखनी है ना? बिल्कुल। है? वो देख सामने कीड़े। है है। बालों के पैकर मेरे
चुंबक हुसन मेरा चेहरा के दागे सुर्ख लबों की तो लाली कुतर ले आजा चौबार पे ओ आजा रसिया ओ चल रासलीला कर ले आजा रासलीला कर ले ओ आजा रासलीला कर ले ओ आजा रासलीला कर ले आजा आजा रासलीला कर ले ऐसी खबर आई जिसने पूरे टाउन को हिलाकर रख दिया। पता चला कि डीएफओ साहब की मौत हो गई। सर्वे के दौरान वो जंगल में अकेले थे और जंगली जानवर ने उन पर हमला कर दिया, इसलिए सर्चिंग के दौरान उनकी कटी हुई बाजू के अलावा कुछ नहीं मिला। वो एक लम्हा था जो मैं नहीं चाहता था कि कभी भी उसकी जिंदगी में आए, और मुझे उसकी आंखों में आंसू देखने पड़े। और सबसे बुरी बात यह थी कि जाना अपने पति को आखिरी बार देख नहीं पाई। बहुत बुरा हुआ। मैं जानता हूं बहुत अच्छा तेरे लिए वक्त कितना कठिन है। ध्यान रखना, तुझे घबराना नहीं है। तुझे इस वक्त का डट कर सामना करना होगा। अगर तुझे कभी कोई दिक्कत आए तो अपने इस चाचा को याद कर लेना। चलता हूं। फिक्र ना करें भाभी जी, हम है ना। दुख बहुत हुआ मैं डीएफओ साहब की मौत का। घबराइएगा मत, कोई भी दिक्कत हो ना है हम लोग। अपना ख्याल रखिएगा भाभी जी। वाहेगुरु जी, ये आपका कैसा खेल है। वैसे दुनिया में तो इंसानियत खत्म ही हो चुकी है, और जो कुछ अच्छे लोग होते हैं उन्हें भी आप अपने पास बुला लेते हो।
हमेशा अच्छे लोग ही क्यों दर्द से गुजरते हैं? कभी सोचा है आपने कैसे जिएगी जहाना, कौन बनेगा उसका सहारा? जहाना ने कभी कोई गलती नहीं की, फिर भी आपने जहाना के साथ ऐसा किया। महाराज बोल। बाहर का माहौल हो रखा है पूरा गर्म, और मुझे लगता है मामला थोड़ा ठंडा होने तक ना काम रोक देते हैं। अबे भूतनी के, उसके मरने के गम में तूने खाना छोड़ दिया क्या? लो आप बिना महाराज। अरे जो मर गया वो मर गया, हम अपना काम क्यों बंद करें? महाराज आपकी इन्हीं अदाओं के लिए कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए। अभी कुछ मत कर, ट्रक नाके के पार लगा दे, और कोई बीच में आए तोड़ा दे साले को। अरे महाराज फिक्र ना करो, अरे कीड़ा है ना। ओए कीड़े बातें बहुत हो गई, चल काम पे लग निकल। अरे आप जो है ना अपनी कराओ अच्छे से मालिश और समझो। हो गया, अरे हो गया महाराज। करना चोत मालिश चोत दिया साला। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बचपन का दोस्त खो दिया हमने, जितना गम आपको है उतना गम हमें भी है, लेकिन क्या करें जहाना जी, हमसे आपका ये उदास चेहरा नहीं देखा जा सकता। हम जानते हैं आपके ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन ये जिंदगी है, आना जाना लगा रहता है। रणबीर के जाने के बाद आप अपने आप को अकेला मत समझिए, हम हैं ना आपके पास। अरे मैं हूं ना आपके पास। अरे एक आवाज दीजिए आप मुझे, आप हमेशा मुझे अपने पास पाएंगे, और अगर यकीन नहीं आता तो एक बार आजमा के देख लीजिए। जहाना जी जिंदगी ऐसे अकेले नहीं कटती, हम हैं आपके साथ। जी आपने अच्छा नहीं किया हमको थप्पड़ मारकर, अच्छा नहीं किया। अब हम बताएंगे आपको कि हम आपके साथ क्या करेंगे। चलते हैं, घर आएंगे वापस। महाराज दो बोतल खत्म कर दी है आपने, अरे बस भी करो, कोई दिक्कत है?
बताओ मुझे। यूं यूं निपटा देंगे सारी प्रॉब्लम को। आज मत रोक मुझे। साली उस दो टके की लोंडिया ने तेरे महाराज पे हाथ उठाया। साली ने हमें घर से निकलने को बोला। हम बताएंगे उसको। इसकी माँ का एक बार नाम बताओ। साली का घर से उठा लेंगे। उसको ना खुद पता नहीं लगेगा कहाँ गायब होगी। डाने का नहीं है उसको। तेरे महाराज को उसके साथ सोने का है। सोने का है उसके साथ। क्या बात है महाराज, हमें भी तो बताओ कौन है साली जिसके साथ सोना है। वो साली जहाना के साथ सोना है तेरे महाराज को। जहाना? महाराज उसका भी ना एक रास्ता है मेरे पास। कहो तो बताऊं। बता। उस साली को ना पूरे शहर में कर दो बदनाम। सबको इतना भरोसा दिला दो कि साली ने तुम्हारे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। और फिर देखो दौड़ती हुई आएगी साली। कीड़े तेरा नाम सही कीड़े रखा है। कीड़े ऑलवेज राइट। ऑलवेज। तेरा महाराज इसीलिए तुझे इतना प्यार करता है। बड़ा प्यार करता है तेरे को। सही आइडिया देता है तू। हो जाए। चेस। भाई जोगी, ऐसी क्या बात हो गई थी कि अचानक सबको यहाँ पे बुला लिया? महाराज बताओ सबको। अरे प्रधान जी, हम सच बोल रहे हैं। भोलेनाथ की कसम भाभी माना था उसको। अरे बचपन का दोस्त था हमारा, तसल्ली देने चले गए। जैसे ही हम घर में घुसे उसने हमें पीछे से दबोच लिया। अब आप बताइए हम क्या करते। क्या बात कर रहे हो महाराज? सच बात कर रहे हैं। आगे क्या बोले हम प्रधान जी? जिसको हमने भाभी समान माना था वो हमारे साथ ऐसी नहीं हरकत करेगी। ठीक बात महाराज, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। बैठ बैठ। प्रधान जी हम आपको सिर्फ एक बात बताना चाहते हैं। इज्जत बचा के भागे हैं हम। ये तो वाकई सोच विचार करने वाली बात है। हो सकता है जोगी तू उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहा हो। आप हमें बचपन से जानते कि नहीं जानते? बोलिए। हाँ। और मान लीजिए अगर हमने ऐसी हरकत करी तो वो यहाँ पे क्यों नहीं आई? हम आए। वो तो ठीक है, पर इससे ये बात साबित नहीं होती कि तुम जो कह रहे हो वो सच है। तुमने जो आरोप उस लड़की पे लगाए जब तक वो साबित नहीं होते कोई गाँव वाला उस लड़की से बात नहीं करेगा।
चाहना। जैसे जीना भी सजा है, तू न आए गर नजर तो मेरा हर पल बेमजा है, जैसे जीना भी सजा है। लागे मुझे रब है खफा, हक में नहीं मेरे वफा। लागे मुझे रब है खफा, हक में नहीं मेरे वफा। तेरे बिन नहीं कोई खुशी, तेरे बिन नहीं है जिंदगी। तेरे बिन नहीं कोई खुशी, तेरे बिन नहीं है जिंदगी। कुछ एतबार बाकी है, दिल दा करार बाकी है, थोड़ा सा प्यार बाकी है। मन होया बावरा रे, अब हुंदा सुबह शाम रे। चुड़ैल ने तो अपने पति को भी नहीं छोड़ा, उसे भी खा गई। सही बोल रही हैं आप, लगता है पूरे टाउन को खा के जाएगी। अरे हमें भी तो खा लो मैडम। अरे देख तो कबीर कैसे फुटबॉल खेल रहा है, शायद इसको पता ही नहीं है जहाना के बारे में क्या क्या बातें हो रही है। देख देख इधर ही आ रहा है, अभी छेड़ता हूँ। अरे वो जहाना को जानता है ना। मेरे क्लेम का कुछ करवा दीजिए ना। देखिए जैसा आपने कहा था, मैं पूरी फाइल लेकर आई हूँ, और प्लीज़ बहुत टाइम हो गया, अब कुछ करवा दीजिए। देखिए मैडम जी, ये जो क्लेम का पैसा है ना, इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला, सरकारी काम है मैडम जी। 6 महीने 1 साल ज़्यादा भी लग सकता है। देखिए पर आप ना चिंता ना करें, हम हैं ना मैडम जी, हम आपको आपका हक दिलाएंगे। एक काम करते हैं, आज रात मैं आपके घर आता हूँ, हैं जी, समझ रही हैं ना आप मैडम जी, आराम से बैठ के बात करेंगे। वैसे भी मैडम जी हमें फायदा तो तब होगा ना जब आप हमें फायदा देंगे, हैं जी, समझ रही हैं ना आप। और वैसे भी आप ना मुझे बड़ी समझदार लगती हैं, सही कहा ना मैंने? जहाना जी आप यहाँ, और ये आवाज कैसी? ओहो समझा, वैसे आपने जो किया ठीक ही किया, पर आप यहाँ अचानक, कोई खास वजह क्या? हाँ वो मैं क्लेम के अमाउंट की बात करने आई थी। अच्छा, पर यहाँ तो खैर छोड़िए। एक मिनट मैडम, आप जब तक घर पहुँचेंगी काफ़ी देर हो चुकी होगी।
आप कहें तो मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर सकता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। देखिए मैडम, ये जंगली इलाका है, जानवरों का भी काफी डर है। आप बुरा ना माने, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ आपके घर, प्लीज। उस वक्त मैं बहुत गुस्से में थी, पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, प्लीज मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं जाना जी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्लेम का कुछ हो जाता तो आपको लगता है आप ये काम करवा सकते हैं? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। ओके, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। जी भी इसके घर पे आने लगे, और पता नहीं कितना गिरेगी ये बच्चलन औरत। वो देखो कैसे भाग रही है कमीनी। ओ जी, ये शहर की कुड़ियां जो होती है ना, ऐसी होती हैं, बदतमीज से बेशरम। वो फाइल का कुछ हुआ क्या? फाइल तो आगे फॉरवर्ड कर दी है मैंने। मुझे लगता है बहुत जल्द आ जाएगा वो क्लेम का पैसा। डोंट वरी। ओके, एक काम कीजिए आप, तब तक ये कुछ पैसे रखिए। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, थैंक यू। प्लीज। नहीं नहीं, शुक्रिया। जैसे आपकी मर्जी। तो जहाना जी, मैं चलता हूँ फिर। ओके, ठीक है। हाँ जी जी, नमस्ते। नमस्ते। महाराज, एक बात बोलूं? बोल। आपकी जो इच्छा है ना, बड़ी जल्दी पूरी होने वाली है, देख लेना महाराज। ओए कीड़े, मैं भी तो उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन चाहना मेरी बाहों में और मैं उसका साथ गिल्ली गिल्ली करूँ। होगी महाराज, होगी। होगी। कीड़े, तेरे महाराज का उस पे दिल आ गया। बिल्कुल। कीड़े, हम भी लेते महाराज। अब ये वक्त ऐसा था जब मेरा प्यार मुझसे दूर हो रहा था। कुमार की नजदीकियां जाना को अपनी ओर खींच रही थी। मैं जानता था कि जाना मजबूर है, पर मेरे बस में कुछ भी नहीं था। मैं उसे बिल्कुल रोक नहीं पाया। ये सब देखकर बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं भी जाना की तरह मजबूर था। कोई रास्ता नजर ही नहीं आया।
फरजाना जी, वो जो मुआवजे की रकम है ना, वो दो तीन दिन के अंदर आ जाएगी। और मैं कह रहा था देखो आपको, हो गया। थैंक यू। अरे ये लाइट को भी अभी जाना था, आप प्लीज रुकिए, मैं मोमबत्ती लेकर आती हूँ। हाँ दिन हो गए हैं, कुमार का पता ही नहीं और ना ही कोई फोन आया। कुमार ठीक तो है ना? कहीं कुछ नहीं? नहीं, सब ठीक ही होगा। रुको बेटा, जी वो तो चले गए। चले गए? कहाँ चले गए? वो कुमार के वाइफ की तबीयत बहुत खराब है ना, तो उसे लेके शहर चले गए और जाते जाते आपके लिए एक फाइल देकर गए हैं। तानिया बेटा, जरा मम्मी से फाइल मांग के लाना। तो ओ जी, बड़े अच्छे आदमी हैं कुमार साहब, क्या बताए, हमारा हमारे बच्चे का बड़ा ख्याल रखते हैं जी। ये लीजिए फाइल। चलो चलो बेटा, स्कूल के लिए देर हो गई। अरे तानिया, आराम से बैठना। जहाना जी, फाइल के लिए हम माफी चाहते हैं, क्योंकि आप तो जानती ही हैं कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली तो टेढ़ी करनी ही पड़ती। खैर छोड़िए, ये 10,000 रुपए उस रात के नजराने के तौर पर रख लिए। बस एक बात का अफसोस है कि अब हम कभी मिल नहीं पाए, क्योंकि मेरा ट्रांसफर हो चुका है। और उम्मीद है कि आप कभी अपने आप को अकेला नहीं महसूस करेंगे, क्योंकि डलहौजी में आपके चाहने वालों की कमी नहीं है। टेम हो गया बहुत, और तुम से ना एक लौंडिया की गेम नहीं बन रही। तुम ना हाथ में ना पासे लेकर बस हिला रहे हो, और बाकी के लोग गेम खेल कर निकल लिए। कीड़े, तेरी ये टेढ़ी मेढ़ी बातें मेरे को समझ नहीं आती। सीधी बात किया कर तू मुझसे। सीधी बात ही करते हैं। तुम्हारी ये जो पहलवानी है ना, ये सिर्फ एक अखाड़े तक ही सीमित है। उसके बाहर ना एक लौंडिया तक पे तुम्हारी पहलवानी नहीं चल रही। वो साला दो कौड़ी का डीएफओ का जूनियर तक लेके चला गया पप्पी। इज्जत की तुम्हारी।
भाइयों, मेरे से अब ये सब और नहीं देखा जा सकता। दिन भर दिन ये औरत हमारे इलाके को बर्बाद करती जा रही है। मेरे महाराज की हालत देखो क्या कर दी है इस औरत ने। अरे महाराज, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अरे क्या बोलूं कीड़े, मैंने इन सभी लोगों को समझाया था, लेकिन आप सभी लोगों ने मेरी बात हल्के में ले ली। भाई और बहनों, आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर इस लड़की को इस गांव से बाहर नहीं निकाला तो भोलेनाथ की कसम ही आपके पत्तों को खा जाएगी। छोड़ कीड़े, छोड़ो मुझे। Oh,
अगर तू है तो इतना कर ले। शोहरत कर तू है तो इतना कर दे। जी ना सकेगी वो तन्हा अकेली, साथ में उसका रहबर कर दे। फूल ही फूल ना गम के कांटे, फूल ही फूल ना गम के कांटे, ऐसी उसकी किस्मत कर दे। मौला मेरे रहमत कर दे, नजरे करम की जहमत कर दे। सब पर वो बात ना तेरी गली में तारे गिन डाली, सब उनके दीवार की भी आस ना गई एक दीदार की। राह सब पर वो बात ना तेरी गली है, तेरे बिना बे मन से ढलते दिन या रात, हाँ तेरी गली में। फिर से बसा दे, फिर से सजा दे, फिर से बसा दे, फिर से सजा दे। मौला मेरे रहमत कर दे, नजरे करम की रहमत कर दे। मौला मेरे रहमत कर दे, मौला मेरे। जहाने जब तुम ही नहीं तो तुम्हारी यादों का क्या करूं। जहाने तुम फिक्र मत करना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो इन सब से तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। जितने जख्म इन्होंने तुम्हें दिए हैं ना, उतना ही वाहेगुरु जी इन्हें तड़पा तड़पा कर मारेंगे। और अगर सच में वाहेगुरु जी ने सुन ली ना तो इनको इनके किए की सजा जरूर मिलेगी। जहाना तुम जहाँ भी जाओ बस अपना ख्याल रखना। अरे काओ मराज। महाराज भग गई है, लौंडिया भग गई है महाराज। हमेशा बुरी खबर लाता है साला।
यार तू फोन लगा ना उसको। कैसे हो तुम? बहुत बड़ा हादसा हुआ है, ये सब छोड़, ये बता जहाना कहाँ है? छोड़ ना यार, छोड़ मतलब? जहाना ने पूरी नाक कटा दी हमारी टाउन के अंदर, तेरे जाने के बाद बदचलन हो गई वो। उसने टाउन के सभी लोगों के साथ क्या क्या किया, शर्म आती है मुझे बताने में। ये क्या बोल रहे हो जोगी तू? ये किस तरह की बातें कर रहा है अपनी भाभी के बारे में? तेरे मानने या ना मानने से सच्चाई चेंज नहीं होगी रणवीर। बचलन थी वो, बचलन थी। जोगी, ये पूरा टाउन जानता है।
सजना सजना कर दे कर दे कोठे ते सांझ ढली बावर नैना रस्ता वेखे पल पल गली कहानी मेरा टुटया दिल टुट जा माही रे माही रे माही रे माही रे माही रे मुझे इस बात की खुशी है कि आप जिंदा हो, नहीं तो जाना का राज राज ही रह जाता। आपके लापता होने के बाद आपके उस कमीने दोस्त जोगी ने जाना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और उसे पूरे टाउन में बदनाम कर दिया और सबने उसको मिलकर बहुत मारा और उसका ऐसा हाल कर दिया कि उसे मजबूरन जाना पड़ा। लेकिन जाना ने हर पल आप ही को याद किया और आखिरी बार जाना को मैंने शिमला की बस में जाते हुए देखा था। अबे जोगी भाई मारा तब तुझे भाई अरे भाई सुन तूने मेरी सानों के साथ क्या किया मेरे जग मार मत भाई मारा तब तुझे सुन यार मेरी बात सुन भूल गया वो सब बातें साले भाई माना था बीवी के बारे में बात कर रहा है अरे छनाल थी तेरी बीवी बता उसको मुझे तो बताते हो शर्म अबे चुप अरे छोड़ साले वो तेरी किस्मत अच्छी है मैंने मरवाया था तुझे मैंने लेकिन साले आज कौन बचाएगा जोगी तो साले अरे छोड़ो इसकी बहन किसकी अरे साला अरे छोड़ो इसको साले को मैं बताऊंगा इसको कि जोगी क्या है साला वापस आऊंगा साले वापस आऊंगा जोगी और उसके सारे साथी गिरफ्तार हो जाते हैं और डीएफओ साहब कहाँ चले जाते हैं कोई नहीं जानता। आज उसे यहाँ से गए 2 साल हो गए, अब वो कहाँ है कैसी है मैं नहीं जानता। हाँ पर मुझे इतना जरूर यकीन है कि वो जहाँ होगी जैसी भी होगी खुश होगी। यार बहुत टाइम हो गया निकलते है ना। अबे उतार तो कबीर तेरे लव स्टोरी में तो बड़ा दम है यार। Thank you.
थैंक यू। रहाना बेस्ट ऑफ लक रहाना। आज मेरी 5 गर्लफ्रेंड्स हैं। कोई बोलती है आई लव यू जानू, कोई बोलती है आई लव यू बाबू, और कोई बोलती है आई लव यू सोना, पर साला मुझसे कोई नहीं पूछता कि मैं किसको प्यार करता हूँ। पर आप सब तो जान गए होंगे ना कि मैं किससे प्यार करता हूँ। सोनी कुड़ी दे नाल पेच लड़ गया, सोनी कुड़ी दे नाल पेच लड़ गया। ब्राइट है अखा की ओ टाइट है, इवनिंग डे एंड नाइट है, दसो की करा। हर दिन की हालत टाइट है, जिगरे पे लग बाइट है, इवनिंग डे एंड नाइट है, दसो की करा। रग रग में मेरी यारो इश्क चढ़ गया, सोनी कुड़ी दे नाल पेच लड़ गया। रग रग में मेरी यारो इश्क चढ़ गया, सोनी कुड़ी दे नाल पेच लड़ गया। दिल की हालत टाइट है, जिगरे पे लव बाइट है, क्रीमिंग डे नाइट है, दसो की करा। नाजो अदा ते नखरा, सारे जमाने तो वखरा, तक तक दिल होया लट्टू, हुस्ने दा खुमार चढ़ गया, सोनी कुड़ी दे नाल बेच लड़ गया। कंजरे पे हुस्ने दा खुमार चढ़ गया, सोनी कुड़ी दे नाल बेच लड़ गया। दिल की हालत टाइट है, रॉन्ग है या राइट है, क्रीमिंग डे नाइट है, दसो की करा। नजरा लांदी जसका, नित नित चढ़दा जादू, कुछ नहीं रहना बस का। मुद्दा ये हद से ज्यादा आगे बढ़ गया, सोनी कुड़ी दे नाल पेच लड़ गया। मुद्दा ये हद से ज्यादा आगे बढ़ गया, सोनी कुड़ी दे नाल पेच लड़ गया। दिल की हालत टाइट है, इश्क दी ये हाइट है, नहीं।
Yeah.